हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री महाकाली डेली अपडेट्स। आज मैं आप लोगों के लिए नया एक और नया ब्लॉग से आई हूँ आपके सामने कि क्या है ना, आजकल अभी समर चालू हो गया तो शादी भी चालू हो गया, तो शादी में अभी लोग कपड़ा खरीदने को देखते हैं कि आजकल तो टीनेज लड़की लोग तो लहंगा चोली पहनने का बहुत काशी होते हैं, बहुत इच्छा होते हैं। और उन लोग के देख के भी फैमिली लेडीज़ भी मतलब शादीशुदा औरत भी सोचते कि मैं भी ले लूँ लहंगा चोली, पर वो लेती है, एक दो बार पहनती है, फिर उसको बाजू में रख देते हैं, फिर वो कुछ यूज़ में नहीं आते हैं तो वो वेस्ट हो जाते हैं। किसी किसी का कैसे शर्म आता है बार बार वो लहंगा चोली पहनने में। तो वैसे अगर लेडीज़ लोगों जिनको ज़रूरत है लहंगा चोली पहनने का, अगर उनको लहंगा चोली नहीं चाहिए तो अपना साड़ी को ही अपन कैसे लहंगा चोली जैसे अपन कैसे रेडी कर सकते हैं अपना घर पे, कुछ भी टेंशन नहीं फ्रेंड्स। अगर लहंगा चोली में भी ब्लाउज होती है, साड़ी में भी ब्लाउज होती है, तो उसी ब्लाउज को अपन पॉइंट आउट करके और अपना साड़ी को लहंगा कैसे बनाना है घर पे विद इन 5 मिनट्स में, और पार्टी वेरी के लिए एकदम ज़बरदस्त ड्रेस एक बनाने का, और बहुत अच्छे से इजीली अपन साड़ी स्टाइल में भी उसको वियर कर सकते हैं और लहंगा चोली में भी अपन वियर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा इजी प्रोसेस है फ्रेंड्स, और जिनको अगर पसंद आएगा ना ये वीडियो तो बिल्कुल स्किप करना मत फ्रेंड्स। अगर स्किप करेगा तो फिर कैसे आपको पता चलेगा कि क्या करना क्या नहीं करना, फिर प्रोसेस क्या है तो पता नहीं चलेगा। बहुत ही बेस्ट है हर एक लेडी को, टीनेज लड़की लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये बहुत यूज़फुल है। आप लोग एक बार बिना स्किप से इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, फिर देखने के बाद एक बार आप अपना घर पे ऐसे ट्राई करो और पहन के आप लोग एंजॉय करो किसी का शादी में या कुछ फंक्शन में, बहुत अच्छे रहते हैं फ्रेंड्स। और मेरे चैनल जो भी पहले बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करो और बाजू का बेल आइकन प्रेस करना भूलना मत फ्रेंड्स, और मेरा चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं, जो भी मेरा चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, सबको थैंक यू सो मच ऑफ यू, आई लव यू टू ऑल। और आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो अभी लहंगा चोली के लिए ये साड़ी मैंने प्रिपेयर किया, नया साड़ी है फ्रेंड्स, अभी तक ओपन भी नहीं किया इसका। मैं ही घर पे अपना फाल लगाती हूँ, मैं बीडिंग वगैरह देती नहीं हूँ, सिर्फ पल्लू को एक साइड या दो साइड के लिए बीडिंग करा के लेती हूँ, लेकिन बाकी का सब फाल वगैरह मैं ही कर लेती हूँ, लेकिन इसको अभी तक किया नहीं है। और ये देखो, ये मेरा ब्लाउज है इसके ऊपर का, ये साड़ी का ऊपर का ब्लाउज तो रेडी हो चुका है। मैं तो बहुत डीप नेक पहनती हूँ फ्रेंड्स इसीलिए, तो लेकिन फ्रंट पार्ट तो डीप नेक पहनते बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी ऐसा अगर अपना पास ब्लाउज हो जाता है ना, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि साड़ी को कैसे प्रिपेयर करना है लहंगा के जैसे। सी फ्रेंड्स, ये मेरा साड़ी है, इस साड़ी को मैं अभी देखा, मैं आप लोगों को बताया ना, देखो पीको करा के अभी इस साड़ी को कैसे अपन लहंगा बनाने का। बहुत हेवी साड़ी है, तो लहंगा में भी ऐसा हेवी का ही मटेरियल लगता है, तो इसीलिए देखो फ्रेंड्स अभी इसको अपन, ये ऊपर का पार्ट है, तो अभी इसको अपन यहाँ पर जैसे जितना ये करते हैं ना फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। सी यहाँ से अपना चालू हो जाता है, देखा ऐसे लाइक हो गया। हो गया,
हो गया बस। और बाकी सब इतना साड़ी अपने पास है, तो अभी अपन एक मेजरमेंट लेने का, इतना इस मेजरमेंट को लेने का, तो मेरे को 1, 2, 3, 4 आया। ये 4 पल्लू तक मैं इसको छोड़ दूँ, फिर अभी बाकी इतना सब मेरे पास है और इनको कैसे टर्न अप करने का। और यहाँ पर मैंने जो भी इसमें ऐड किया है, इस साड़ी को मैं रिमूव करूँगी, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। सी देखा, मतलब इतना पार्ट मोस्टली मुझे इतना पार्ट यूज हो रहा है कि इसमें तैयार करने में, तो 1, 2, 3 इतना पार्ट मेरे को लीव करके, इतना मेजरमेंट लेके फिर बाकी का सब कैसे करना। अभी ये जो पार्ट है इतना, इसको मैंने छोड़ दिया। अभी यहाँ से चालू करूँगी, अभी इधर से लेके छोटा छोटा फ्रिल्स लेने का, ज़्यादा बड़ा नहीं लेने का फ्रिल्स, थोड़ा छोटा फ्रिल्स लेने का, जितना फ्रिल्स खा सकते हैं ना उतना दी बेस्ट होता है। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, वन डे के लिए तो बहुत ही बेस्ट है। सी फ्रेंड्स आ गए ना, मैंने बोला था 1, 2, 3 और 4, मेरा 4 वाला राउंड हो गया। फिर अभी इसको इस साड़ी को मैं अच्छी तरीके से सेट करूंगी। अच्छी तरीके से देखो ये सबको, यहाँ पर अभी अपने पेन रखने का, देखा जैसे मैं पेन अप किया है, फिर अभी इन लोगों को भी मैं अच्छे तरीके से देखा ना फ्रेंड्स, ये तीनों जगह पे पिनअप करने के बाद बेड के ऊपर मैंने इस सब प्लेट्स को सेटअप कर रही हूँ, क्योंकि ये प्लेट्स को अच्छी तरीके से फैला के लेके अपना प्लेट्स की हिसाब से एक के ऊपर एक प्लेट को अपन अरेंज करके लेने का अच्छी तरीके से। फिर एक प्लेट के ऊपर एक प्लेट आने के बाद उसको हर एक प्लेट पे एक एक टाका आने तक इवन में अच्छे से उसको स्टिच करके लेने का अपना सुई धागा से। देखिए फ्रेंड्स, बीच में से लेके पूरा का पूरा मैंने प्लेट्स ऊपर से नीचे तक सेम लेवल में अरेंज करके ले रही हूँ, और 2 to 2.5 inch का एक एक प्लेट्स लेने का। और ये थोड़ा हेवी साड़ी है इसलिए मैं थोड़ा बड़ा प्लेट्स लिया है, क्योंकि ज़्यादा छोटा लेगा तो ज़्यादा प्लेट्स आ जाएगा, तो फिर ज़्यादा फुगा हुआ जैसे दिखेगा, इसीलिए मैं थोड़ा बड़ा प्लेट्स लिया कि अच्छा दिखने के लिए। बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स, आप लोग एक बार ट्राई कीजिए, जिनका अगर साड़ी कॉटन अगर हो जाएगा, कॉटन पे अगर ऐसे ट्राई करेगा और उसके ऊपर अगर इसरी करके अगर पहनेगा ना, द बेस्ट, बहुत अच्छा दिखता है फ्रेंड्स। और वो प्लेट्स भी हिलेगा भी नहीं, कुछ नहीं। सी फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सुई धागा लिया और सब प्लेट्स को अरेंज करके लिया। अभी इस सुई धागा का हेल्प से मैंने अच्छे से प्लेट्स को
एक दूसरे से अच्छे से सिलाई करके लूंगी। सी फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरा वीडियो कट हो गया था, इसलिए ऊपर से मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ आप लोगों के लिए। सी देखिए फ्रेंड्स, एक एक प्लेट्स को लेके मैं ऊपर नीचे की तरफ से अच्छे से पहले मैंने फैला के लिया है। अभी जिस तरफ मैंने स्टिच करना चाहती हूँ उधर भी एक पिन लगाना फ्रेंड्स, एक सेटअप किया ना पिन का, वो पिन का सेटअप भी निकाल दिया। और अभी यहाँ पर भी अच्छे से एक के ऊपर एक प्लेट्स को फैला के ले रही हूँ मैंने, क्योंकि ये जितना अच्छे से अरेंज करेगा आपका लहंगा चोली का उतनी अच्छा गेटअप आ जाएगा फ्रेंड्स। और मेरे को तो ये किसी का हेल्प भी नहीं लगते फ्रेंड्स, आप अकेला भी कर सकते ये अच्छे से प्लेट्स को अरेंज करने के बाद विद इन 5 मिनट्स में इसको तैयार कर सकते हैं अपन। और जिनको प्लेट्स अरेंज करने में लेट होगा उन लोग के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बाकी तो सब बहुत बढ़िया जैसे आ जाएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा लगते हैं। मैंने भी एक बार ट्राई की थी, ये मोस्ट रिक्वेस्टिंग वीडियो है कि एक मेरी फ्रेंड की बहन का अभी उनका शादी है यूपी में, तो उन्होंने बोला कि एक बार दिखाइए सिस, हम लोग को चाहिए ऐसा लहंगा चोली का, हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग पहनते हैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है चलो, तुम लोग लहंगा चोली लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, कि साड़ी से अपन लहंगा को कैसे कर सकते हैं। अभी वो लोग बहुत खुशी हो जाएगा ये वीडियो देख के। अच्छा लगता है फ्रेंड्स ऐसा कुछ नया ट्राई करने में, और देखने वाले को भी बहुत अफसोस लगता है कि वाह कितना मस्त किया है करके। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने एक एक प्लेट के ऊपर एक एक प्लेट पे मैं टाका करके फिर उसको आगे करके फिर मैं प्लेट्स पे टाका मार के ले रही हूँ, बहुत जल्दी हो जाते हैं, अच्छे से अच्छा बन जाते हैं। अपन टाका मारना हो गए तो फिर ये पहनने के लिए कुछ भी टाइम नहीं लगेगा अपना को, जल्दी से जल्दी हो सकते हैं। कोई भी मेरे चैनल को पहले बार देख रहे फ्रेंड्स, अगर मैंने बनाया हुआ वीडियोस किसी के लगता है कि यूज़फुल है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना भूलना मत फ्रेंड्स। और सब्सक्राइब करने के बाद आल का बटन एक्सेप्ट कर प्रेस करना प्लीज़, वो करने से आप लोगों को मेरा नोटिफिकेशन आ जाता है तो सबसे पहला मेरे वीडियो आप लोग ही देख सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो, और स्किप ना करें फ्रेंड्स, स्किप करने से फिर पता नहीं चलेगा कि कैसे अपन लहंगा बनाने का। ऑलमोस्ट हो गया फ्रेंड्स, आधा तक मैंने टाका मार के लिया है। एक एक प्लेट्स को अरेंज करके करना पड़ता है ना फ्रेंड्स, और इतना बड़ा साड़ी है कम से कम 10-12 से 15 प्लेट्स तक आ जाते हैं, तो फिर उन सभी को एक एक को अरेंज करके सेम प्रोसेस में करने के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। इसीलिए तो अगर कल अपना पार्टी है तो आज ही अपन बना के रखना, बहुत ईजी पड़ता है अपने लिए, तो आप लोग वैसे ही करो। क्यों ईजी पड़ने जैसे कि एक दिन पहले बना के रखो तो दूसरा दिन के लिए कुछ तकलीफ नहीं हो जाएगा। देखा फ्रेंड्स, हो गया फाइनली, वी गेट रेडी अवर लहंगा। ये अपन मेजरमेंट किया हुआ था, और ये है जो अपन प्लेट्स बनाया ना अभी, उसका है प्लेट्स बना हुआ। चलो अभी अपन देख लेते कि अपन इसको पेन के दिखा दूंगी मैं अभी आप लोगों को।
चलो अब ये है अपना लहंगा, इसको जितना चाहिए उतना अपन अच्छा से प्लेट्स दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, वाह लहंगा चोली जैसे। अभी देखो इस प्लेट्स को अपन आधे तक दिख रहे ना फ्रेंड्स, लहंगा चोली का लुक आ गए ना। ये बहुत हेवी साड़ी है ना फ्रेंड्स, इसकी वजह से मैंने थोड़ा बड़ा बड़ा प्लेट्स लिया है, क्योंकि ये साड़ी बहुत ये आते हैं लेंथ आते हैं इसके अंदर। देखो फ्रेंड्स आप लोग जब लेगा बहुत छोटा छोटा प्लेट्स ले लो। अभी मैं इस पल्लू का तैयारी करूँगी, 8 का मैंने ये करूंगी। ओके 1, 2, 3, 4, 7 आया फ्रेंड्स, फिर भी ठीक है, नो इश्यू। चलो इस पल्लू को अरेंज करके आप लोगों को दिखाई दूंगी। अभी इसको मैं पल्लू लगा के आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाऊंगी 2 मिनट में। ओके फ्रेंड्स अभी इस लहंगा चोली को बहुत अच्छा लगती होगा, तो आप लोगों को अगर पसंद आए तो कंपलसरी ट्राई करो 2 मिनट फ्रेंड्स। लहंगा जैसे मस्त सुपर ना, आप लोग भी ट्राई करो ऐसे लहंगा चोली। अभी मैं इसकी कहता और क्या करने का, मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाई देती हूँ। सी फ्रेंड्स अभी इस प्लेट्स को ऐसे अच्छा तरीके से पिनअप नहीं किया फ्रेंड्स, पीछे का पिनअप भी कर दूंगी तो आप लोग को वो लुकिंग आ जाएगा, मस्त है ना। प्लेट सब दिख रहे हैं और यहाँ का भी। से फ्रेंड्स अभी तैयार हो चुका है अपना लहंगा चोली, देखो यहाँ पर इतना अच्छा लग रहा है, इसमें मस्त लग रहा है, आप लोगों को भी पसंद आ जाएगा तो कंपलसरी आप भी ट्राई करो। देखा इतना गेर भी आया है, बहुत ही अच्छा रहता है, आप लोग कंपलसरी आपके घर पे ट्राई करो। और जिनको पसंद आया फ्रेंड्स मेरा वीडियो, लोग ने मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और जो पहले बार देख रहे हो वो लोग तो सब्सक्राइब करना भूलना मत फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है ना। वाह तो आप लोग कंपलसरी मेरा चैनल को सपोर्ट करो प्लीज़, थैंक यू सो मच, आई लव यू। अभी दिख रहे हैं ना पार्टी वेयर हाँ, साड़ी को अपना लहंगा चोली में कैसे बनाना है, बहुत इजी प्रोसेस है, तो आप भी अपना घर पे ट्राई करो। थैंक यू सो मच, आई लव यू। जिसने भी मेरे वीडियो बिना स्किप के लिए देखा उन लोगों के लिए आई लव यू टू ऑल, बहुत अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय फ्रेंड्स। सी फ्रेंड्स फाइनली दिस इज द लुक ऑफ लहंगा चोली, बहुत अच्छा है ना फ्रेंड्स, और मैंने इसको बहुत अच्छी तरीके से पहना है मुझे लग रहा है, तो किसी को पसंद आया तो जो भी मेरे वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और किसी को अच्छा लगा तो कंपलसरी कमेंट करना भूलना मत फ्रेंड्स, कैसे आप लोगों को कैसे लगा मेरा वीडियो। थैंक यू सो मच, आई लव यू। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो फ्रेंड्स, बाय।